दरअसल हमारा हमारा मकसद है जो हमारी भारत व्यवस्था जो भारत में है जो ये गवर्नमेंट है ये सोई हुई गवर्नमेंट है, क्योंकि हमें एक छोटा सा प्रदर्शन करके सिर्फ गवर्नमेंट को आगाह करना है। क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट ने हमारी बातें मांगे नहीं मानी, हमारी बातें सुनवाई नहीं की गई, तो हम इससे विशाल प्रदर्शन करेंगे। अभी तो हम यहाँ से, क्योंकि हमने मेमोरेंडम देने का काम है, हमने राष्ट्रपति जी के लिए और गृह मंत्रालय जी के लिए कुछ साथियों के साथ भेज दिया गया है मेमोरेंडम देने के लिए, पर लेकिन ये आगाह कर रहे हैं हम इस बार, क्योंकि चंद दिनों में अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम इससे बड़ा पूरा देश का आंदोलन खड़ा करेंगे। उसी प्रकार आंदोलन जैसे हमने 2 तारीख में आंदोलन किया था, क्योंकि 2 तारीख का आंदोलन पूरे भारतवर्ष में एक दिन में किया था, हम प्रयास करेंगे उसी, क्योंकि हम गवर्नमेंट को बार बार ये चेतावनी देते हैं, क्योंकि हम ना चाहें, क्योंकि अगर हम इस काम को कर दें, अगर हम भी अगर यानी एक तरीके से विद्रोह करने लगें, क्योंकि हम संविधान के रचयिता डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं और एक संवैधानिक रूप से काम करना चाहते हैं, और हम बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलकर जो भी चीज़ें हम संवैधानिक बेस पर करवाना चाहते हैं, इसलिए हम आज पूरे देश से आए हुए हैं, लेकिन बिहार से भी, उत्तराखंड से भी, हरिद्वार से भी, यूपी से भी, दिल्ली से भी लोग हैं, क्योंकि अभी हमने जो बुलाए थे कमांडर्स बुलाए थे, यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 हज़ार लोगों की भीड़ थी, क्योंकि हमने पूरे देश से सिर्फ कमांडर्स बुलाए थे। इस बार सभी देश के संचालक हुए वो बुलाएं, अगर हमारी जल्द मांग पूरी नहीं हुई, सिर्फ कमांडर्स आए हुए, क्योंकि दल के जो संचालक हैं जैसे बिहार से हुए, यूपी से हुए, क्योंकि जिले वाइज जिले में जो हमारे कमांडर्स हैं वो कमांडर्स आए हुए हैं। अगली बार प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, बौद्ध विहार को लेके हमारी मांगे हैं, क्योंकि शिक्षा, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है शिक्षा को प्राइवेट कर दिया है पूरी तरीका से, क्योंकि जब प्राइवेट अगर शिक्षा हो जाएगी तो प्राइवेट में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, तो हमने सरकार से मांग की है, क्योंकि हमें प्राइवेट क्षेत्र में भी हमें आरक्षण की व्यवस्था कराई जाए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं जो गरीब पीड़ित आप SC ST OBC माइनॉरिटी के अंदर जो गरीब तबके के लोग हैं उनको भी शिक्षा से वंचित ना हो, क्योंकि शिक्षा का एकीकरण होगा तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी वही होगा, प्राइवेट सेक्टर में भी होगा, तो समान शिक्षा लागू होनी चाहिए। ऐसे ही हमें स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सबके लिए बराबरी होनी चाहिए, तो हम इसी को लेकर आज संसद भवन आए हैं।